गुड आफ्टरनून वेलकम टू अन अकाडमी कैसे है सब बच्चे टू yes, कर लू यार हांजी हाई गाइज हाई गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाउ आई यू कौन ना लाया किसकी बातें करते रहते हो और तुम है कौन नलायक, मैं नलायक, तू नलायक, है ना? सब नलायक. ये आप सब जरूर देखें क्या आपने उस वीडियो को चेकआउट किया अभी हाल ही में बेटा नीट 2022 ट्वेंटी टू का मॉपअप राउंड की काउंसिलिंग कंप्लीट हुई है एंड एमसीसी ने ठीक है मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ने पूरी लिस्ट रिलीज कर दी है कि कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट uh, कॉलेज मिला है फॉर एमबीबीएस बीडीएस दोनों चीजों की लिस्ट है लेकिन मैंने आपसे आज सुबह वाली वीडियो में एमबीबीएस का लिस्ट शेयर किया था तो वो जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखें इसी चैनल पर वीडियो पड़ा है उसमें बेटा मैंने आपको बताया कि लास्ट रैंक कितना था जिसमें आपको एमबीबीएस मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा में स्टेट में तो बेटा और आसान हो जाएगा उससे पीछे वाले कोई मिल जाएगी लेकिन ऑल इंडिया कोटा में लास्ट रैंक कौन सा था जिसको एमबीबीएस uh, की सीट मिली है मैंने आपके साथ जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यू एस ओबीसी एस सी एस टी सबका बताया उसमें बेटा क्लियर हो चुका है कि इतना ज्यादा नंबर भी मतलब क्रिब मत करो जितना आ रहा है उसको इंप्रूव करो और हिम्मत मत हारो कुछ बच्चे ना 620 से नीचे आ रहे होते हैं छे से कम आ रहे होते तो हिम्मत हार जाते हैं कि अब नहीं हो पाएगा ड्रॉप लेंगे अगले साल देखेंगे जबकि ऐसा नहीं है बेटा आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस साल 590 तक का भी सिलेक्शन हो गया है तो यार अगर तुम्हारे उतने नंबर आ रहे हैं दैट मीन यू कैन ऑल्सो स्कोर है ना आप भी अच्छे से स्कोर कर सकते हो और एस सी तो मैंने तुम्हें बताया फोर सिक्सटी तक जा रहा है ठीक है तो हिम्मत नहीं आ रही है कितना भी आ रहा है फोर आ रहा है फाइव हंड्रेड आ रहा है फाइव थर्टी आ रहा है उसको इंप्रूव करके हमने कैसे भी छे सौ से पार लेकर जाना है कहां से गाना है ना नदियों पार नदियों पार नहीं अपने छे सौ से पार लेकर जाना है तो तुम बिल्कुल सेफ हो जाओगे ऐसा नहीं है सिक्स हंड्रेड से नीचे का सिलेक्शन नहीं है सिलेक्शन है

Uh, किंगडम यस्टरडे और कल बेटा हमने इसका पहला पार्ट कर लिया था जिसमें फर्स्ट कि जो डिविजन है algae. Algae कितने तरीके की होती है कैसी कैसी होती है हमने ये भी डिस्कस कर लिया था yeah. क्या सबने उस चीज को रिवाइज किया बताओ रिवाइज्ड क्योंकि बिना रिवीजन के बेटा बायो की क्लास में yeah. भाइयों की क्लास में बिना रिविजन के, के नहीं आना था प्लांट कोई आसान चीज नहीं है बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखनी है नए नए टर्म्स आपको सीखने जैसे एनिमल किंगडम है ना बिल्कुल वैसा ही प्लांट किंगडम है ठीक है जी तो इट इज नॉट ईजी इट इज नॉट ईजी तुम सोच रहे हो कि हो जाएगा ऐसे नहीं होगा बेटा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए ठीक है मेहनत करनी पड़ेगी कर लिया फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो कि यस मैम वी हैड डन दिस वी हैड रिवाइज्ड इट रिवीजन हो चुका है यस जिसने नहीं रिवाइज किया बेटा आज वाला फिर वो हंड्रेड परसेंट एक्सपेक्ट ना करेगी उसको समझ आएगा रिवीजन करके आओगे तो अगली क्लास और अच्छे से समझ आएगी देखो फ्री क्लास को ऐसे मत लिया करो कि यार मैम तो बोलती रहती है कभी भी देख लेंगे तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है मैं जानती हूँ यार तुम कभी भी देखने में बिलीव करते हो कि, कि किसी और समय देख लेंगे जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा आपको आपको रेगुलर क्लास लगाना चाहिए यार तुम क्या चाहते हो एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दू तभी आओगे मुझे तो लगता है तुम तभी आते हो जब एक दिन में एक चैप्टर हो जाते हैं कि कोई ना जादू घोल के पिला दो एक ही दिन में इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट करा दो बेटा वो होता है लेकिन पेपर से एक महीना दो महीना पहले होता है अभी अगर मैं तुम्हारे साथ वो करना शुरू कर तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा बस अच्छा लग रहा है भीड़ है अच्छा लग रहा है लेकिन ऊपर से जा रहा है एबल टू सोल्व एनी क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं अल्टीमेट एम तो क्वेश्चन सोल्व है अल्टीमेट एम इज नॉट सिलेबस कंप्लीशन अल्टीमेट एम इज इस तरीके से सिलेबस कंप्लीशन की आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाए लेकिन अगर क्वेश्चन सोल्व कर पाए तो कोई फायदा नहीं आ रहा है ऐसे सिलेबस को कंप्लीट करने का ठीक है जी तो इसीलिए डिटेल में अभी आखिरी वक्त चल रहा है इसको अच्छे से समझ लो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी से बाहर अपने ने जाना नहीं क्योंकि प्लांट किंगडम में न, में ना पुराने जमाने सवाल आते थे बड़े दीव दीव अब नहीं आते। पहले जब एफ एम सी पंजाब पी एम टी गुजरात पीएमटी एम टी ऐसे पेपर अलग अलग होते थे ना तब सवाल आते थे अब नहीं आते बेटा ठीक है जी यस चलिए और दूसरी चीज बेटा आप जानते हैं कि अपना एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है डू यू नो कि अपना यार एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट आज से स्टार्ट है एनसीईआरटी पर कमांड इसका जो लिंक है वो यहाँ पर पिंड है अब इस चैप्टर को रिवाइज करके आना लिंक ट्री से ठीक है लिंक ट्री आप सबको पता है गूगल पे डालिए सीप पाओजा लिंक ट्री पूरा सिलेबस आपके सामने दिया हुआ इसको रिवाइज करके आइए ओके क्या हो गया आवाज़ नहीं आ रही बच्चों चेक यस अब अब देखना नाउ चेक गाइस ठीक है हाँ जी अब ठीक है चलो बढ़िया वो अंदर चला जाता है कई बार माइक हाँ जी आज जो टेस्ट है मैं आपको चैप्टर का नाम लिख देती हूँ सबसे सबसे तो इसका टेस्ट है ठीक है चार बजे अपनी टेन मिनट वाली सीरीज भी है ओके जी परफेक्ट परफेक्ट स्पेशल क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा बेटा पांच बजे रहेगा कितने बजे रहेगा पांच बजे रहेगा ओके यस चलो जी बहुत बढ़िया है सो शुड वी स्टार्ट बेटा एक बार सेशन को लाइक करके बता दो हम लोग स्टार्ट कर लें कल बेटा हमने यहां तक कर लिया था इफ़ यू रिमेंबर दिस द लास्ट लास्ट डिफरेंस दैट वी इन आवर सेशन जिसमें हमने ग्रीन एलगी ब्राउन एलगी और uh, रेड एलगी के बीच में डिफरेंस किया था प्रॉपर ऐसा टेबल बना लिया था हमने यहाँ पर रोक दिए थे अपना सेशन अभी बेटा कुछ और चीजें हैं हमारी एलगी के बारे में करने की तो पहले बेटा वो चीजें हम थोड़ा सा देख लें हाँ जी बिल्कुल देख ले, ओके सो लेट मी शो यू सम पिक्चर्स ऑफ एल्गी विच आर गिवन इन योर एनसीआर हां जी बेटा सबसे पहले वाले में ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है आपको वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स ध्यान देना बेटा वॉलवॉक्स आप जानते हैं कैसा है एक कॉलोनियल कॉलोनी बनाता है ठीक है क्या बनाता है बच्चों कॉलोनी बनाता है देन आपके सामने क्या दी हुआ देखो यहाँ पर ध्यान देना वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स आपको एग्जाम्पल दिए हुए ग्रीन एल्गी की देन ब्राउन एल्गी में लैमिनेरिया फ्यूकस एंड हैव हैव अ लुक गाइस दिस इज ब्राउन एल्गी तुम्हें ब्राउन कलर देख ही रहा है ठीक है यस ब्राउन कलर दिख रहा है देखो हमने कल बनाया था होल्ड फास्ट ये सब हम बना चुके हैं yes, यस ये सब हम बना चुके हैं ये आपकी डिक्टियोटा है देन आपकी सबसे नीचे कौन सी दी हुई है रेड डालगी रेड डालगी थोड़ा थोड़ा रेड रेडिश अपियरेंस है जिसमें पोर फायरा और पॉलीसाइफोनिया बनी हुई है देखो ये आपको पहचानना भी आ सकता है यू शुड नो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे एनी डायन कम किसी भी तरीके का बेटा डायग्राम पूछा जा सकता है कि एल्गी इज द वन जो की फोटो सिंथोसिस करती है और आप मानेंगे नहीं बेटा मोर देन हाफ हाफ ऑफ द टोटल सीओ टू फिक्सेशन इज एक्चुअली डन बाई एलगी

ये जो एलगी है बेटा इनको एज अ फूड भी कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड भी कंज्यूम किया जाता है लर्न करो अभी मेरे साथ साथ बेटा सब बच्चे लर्न करके जाएंगे जितना मैं करवा रही हूं उतना बेटा आप यहां से अपना बिल्कुल लर्निंग लेकर जाएंगे ओके okay जी हां जी अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ब्राउन एल्गी ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी ठीक है जी जो आपकी एनसीआर देती है उनको भी लिख लेते हैं चार्जिंग पे भी लगा ले यार बंदा चार्ज रहना चाहिए हाँ जी ब्राउन एल्गी की बेटा जी अगर मैं बात करूं आप एनसीआर में बेटा ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं कल वैसे मैंने आपको डिफरेंस करा दिया था बट सम एक्स्ट्रा पॉइंट अबाउट ब्राउन एल्गी कि इसके पास एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों होता है याद रखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है जनरली बेटा यही होता है एल्गी में लेकिन इसके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है ठीक है जी लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस में बेटा? गेमस फॉर्म्स में होगा ठीक है जी ऊ गेमस फॉर्म में होगा अगर तुमसे कोई पूछे एडिबल ब्राउन एल्गी के बारे में बताओ क्या बताओगे इसमें से ब्राउन एल्गी कौन सी है? वो बताओगे ना एडिबल ब्राउन एल्गी कौन सी है यस एडिबल ब्राउन एल्गी इज लैमिनेरिया है ना लैमिन एरिया बेटा इज रिच सोर्स ऑफ आयोडीन इसमें भर भर के पता है क्या है आयोडीन है और तुमको पता है यार आयोडीन किस बीमारी को क्योर करने के काम आता है वो गले से रिलेटेड बताओ बताओ आयोडीन किस बीमारी को कंट्रोल करने के काम आता है बताओ 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 यस हाँ जी हाँ जी बता दीजिए बता दीजिए किस बीमारी को कंट्रोल वही गले वाली यार कैसे भूल सकते हो रिच सोर्स ऑफ आयोडीन आयोडीन कैन क्योर सिंपल ग्वाइटर किसको क्योर कर सकता है बेटा जी आयोडीन सिंपल ग्वाइटर को कंट्रोल कर सकता है ठीक है जी अब आ जाते हैं बेटा आपकी एलगी uh, पर एलगी हमने वैसे कर लिया है हाँ जी तो लेट मी राइट सम एक्स्ट्रा मोर पॉइंट्स अबाउट इट देखिए अगर मैं बात करूं रेड एल्गी की देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर लीजिए उसमें रेड एलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कैसे होता है आपको याद रखना है ऊगेमी ये हमने कल भी लिखा था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा ऊगे में ठीक है जी लेकिन जनरली बेटा एल्गी में ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते नहीं है ये बड़े वाले प्लांट्स के कैरेक्टर हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्रूट बनेगा ये सीड बनेगा ये फ्रूट की कवरिंग बनेगी एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की बातें हो रही हैं ठीक है बट रेड एल्गी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी हैं जबकि बाकी एल्गीज में नहीं है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है याद रखना है ये थोड़ा सा हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर हो गया वैसे एल्गी में नहीं होता कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ खास बट यहाँ पर रेड एल्गी के अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं ये भी बटा खाने के बड़े काम आती है रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाली एल्गी कौन सी है रेड एल्गी पोरफाइरा याद रखेंगे विच एल्गी इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप बोलेंगे पॉरफा देन विच ऑफ प्रोटीन प्रोटीन किससे मिलता है पोलीसाइफोनिया पॉलीसाइफोनिया Poly याद रखेंगे ठीक है जी पॉलीसाइफोनिया कुछ एल्गी तो ऐसी है बेटा जिससे कोरल रीफ्स बनती है यानी कि दे आर रिच सोर्स ऑफ सी ए थ्री ठीक है देर आर सम एल्गीज विच आर रिच सोर्स ऑफ सी ए थ्री यानी कि इससे कोरल रीफ्स बनती हैं इनको हम बोलते हैं कोरल लाइन रेड एल्गी क्या बोलते हैं कोरल रेड एल्गी ठीक है जी और रेड एल्गी थोड़े से गर्म इलाके में पाई जाती हैं दे आर फाउंड इन वार्मर एरियाज एरियाज वार्मर तो कल जो डिफरेंस में रेड एल्गी के बारे में किया वो तो याद ही रखना है साथ ही मैं आपको क्या याद रखना है कि वार्मर एरियाज में पाई जाएंगी और इसमें कुछ एडिबल एल्गी है विच आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सी ए सीओ थ्री तुम्हें पता है इससे कोरल बनते हैं है ना जी ओके चलिए देन सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स अबाउट ग्रीन एल्गी बच्चों ग्रीन एलगी के बारे में बात करेंगे बेटा इसका क्लोरोप्लास्ट ना अलग अलग शेप्स है ये आपकी एनसीईआरटी बताती है इट हैज डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा यहां से डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट हां जी अगर हम देखें इसको सबसे पहले स्पाइरो जिसको पता है बताइए जिसको पता है बेटा बताइए स्पाइरो का क्लोरोप्लास्ट कैसी शेप में होगा नाम में ही है बेटा हैज स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट कैसी शेप हो जाएगी बेटा स्पाइरल शेप स्पाइरलोमोनास नेक्स्ट वन इज क्लेमाइडोमोनास कैसा है बेटा कप शेप कप शेप्ड देन आपके सामने आता है यूलोथ्रिक्स गर्डल शेप गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट ठीक है जी यस क्लोरोप्लास्ट अगर कोई तुमसे पूछे मोस्ट एडवांस्ड ग्रीन एल्गी बताओ मोस्ट एडवांस्ड ग्रीन एल्गी बताओ तो तुम किसका नाम ले लोगे तुम लोगे कारा ऐसा लग रहा है जैसे जारा बोल रहे हैं बट मोस्ट एडवांस्ड ग्रीन एल्गी इज कैरा बेटा जो जेनेटिक्स करना चाहते हैं सब कुछ तो पढ़ाया लिंक ट्री पे अगर अभी हम प्लांट किंगडम कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली यू कैन रिवाइज जेनेटिक्स फ्रॉम देयर डू नॉट वेस्ट योर टाइम आप साइमल्टेनियसली एक दो चैप्टर और करते रहिए कैरा कैरा क्यों बेटा सबसे ज्यादा एडवांस्ड है क्योंकि इसके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन याद रहेंगी बेटा ये छोटी छोटी चीजें वुड यू बी एबल टू रिमेंबर हाँ चारा नहीं है बेटा कैरा है चारा नहीं है इसका नाम ये तो जैसे काउस को चारा डालते हैं वो कर रहे हो तुम चारा नहीं है बेटा क्यारा है ओके जी यस चलिए अब चलते हैं बेटा अगला डिवीजन अब जाकर हमारा एलगी कंप्लीट हुआ नेम द नेक्स्ट डिवीजन अगला जो डिवीजन आने वाला है वो कौन सा आएगा ब्रायोफाइट्स का आएगा कौन सा आएगा बच्चों ब्रायोफाइट्स का आएगा वही बच्चे ना Yes, रिप्रोडक्शन तो अभी, अभी हम देखेंगे तभी हम इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ए ट्रैक्योफाइट है ए ट्रैक्योफाइट एम्फिब ऑफ प्लांट किंगडम कौन है ब्रायो अगर तुमसे पूछ लेर

बट इनको पानी चाहिए होता है फॉर देयर रिप्रोडक्शन इसीलिए ये बिना पानी के सरवाइव नहीं कर पाएंगे सो दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है ना बच्चों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ओके जी ठीक है जी अब सबसे पहले एम्ब्रियो बेटा इन्हीं में देखा गया था उसमें तो कोई एम्ब्रियो था ही नहीं यार एल्गी में क्योंकि वहां पर तो जायगोट सीधा ही स्पोरोफाइट बना देता था याद है आपको ठीक है यानी कि दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट सबसे पहले एम्ब्रियो बेटा इसमें आया फिर सब में ही है दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटर दे आर आर ऑब्वियसली दे 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 डोंट हैव सो नॉन वैस्कुलर हिडन सेक्स हैगन तो इनको बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स ठीक है एंड दे आर होमोस्पोरस होमोस्पोरस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने पहले भी टेबल में डिस्कस की थी आपको अभी भी आनी चाहिए याद है हाँ बेटा चेरी से इसका रिप्लाई मैं देना चाहूंगी बहुत देर हो गई बेचारी को बच्ची को मैम 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 लिखते हुए बेटा क्या चाहिए बताओ क्या चाहिए जिंदगी से हैं क्या चाहिए साइमल्टेनियसली बच्चे इस क्लास में एनरोल कर लें बट यार चेरी से बात कर चेरी यू you नो know, मेरी एक स्कूल में क्लासमेट भी होती थी एंड शी वॉज लिटिल बिट हेल्दी एंड शी वॉज वेरी गुड इन आर्चरी इतना मुझे याद है एंड शी इज अ डेंटिस्ट एट प्रेजेंट आई बिलीव हाँ बताओ

फिजिक्स फिजिक्स का है, Physics नहीं तो SSD समझ लेना, जाओ आर्ट्स ले हाँ। you know, तो किस एंगल से जिसको समझ नहीं आ रहा सब्जेक्ट क्या चल रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा चैप्टर क्या चल रहा वो का है वो का नीट वाला यार थोड़ी थोड़ी शर्म शर्म होनी चाहिए आप नीट के नहीं हो बेटा जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं आप धोखे हो आप स्यूडो नीट हो है ना बायो की भाषा में तुम्हें बोलना चाहिए स्यूडो नीट वाले हो तुम ठीक है स्यूडो नीट है ये वे फॉल्स बेटा थोड़ी देर इनमें आत्मा आती है कि नीट क्रैक करना है और फिर वो आत्मा गायब हो जाती है फिर ये अपने किसी और लय में चलने लग जाते हैं कुछ और काम करने लग जाते हैं कहने को ये नीट वही बात है यार अट्ठारह लाख बच्चे हैं सिलेक्शन तो एक ही लाख कौन है सत्रह लाख कहां जाएंगे यही हैं, यही वाले हैं वो बस समझ जाओ ठीक है यस yes, समझ जाइए हाँ जी चलो अब बेटा मैं बताने वाली हूँ ब्रायोफाइट्स के टाइप्स टाइप्स अभी भी सुधर जाइए बेटा समय है कर सकते हो थोड़ा तो यार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा करो कभी तो सोचा करो कि यार हाउ हाउ मच एक्सपेक्टेशन डू दे वो आपसे ज्यादा पूछते नहीं होंगे बहुत कम पेरेंट्स पूछते होंगे कितने नंबर आ रहे हैं कितना चाहिए है ना अगर वो तुमसे नहीं पूछ रहे हैं दैट डीन कि वो तुमसे उम्मीद नहीं रखते हैं दे ऑल फील कि आप अच्छा करें जिंदगी में और आप ना अपने लिए अच्छा करोगे किसी के लिए नहीं करोगे किसी को क्या बेनिफिट है यार तुम डॉक्टर बन जाओगे तो बेनिफिट तो सारा तुम्हें होगा ना तो थोड़ा सीरियसनेस से किया करो एंड सोचा करो अपने अलावा किसी और के बारे में भी खुद के लिए नहीं करना चाहते अपने पेरेंट्स के लिए कर दो ठीक है अपना ही करियर आप अच्छा बनाएंगे राइट right, हाँ स्यूडो नीट वाले हैं ये तो बेटा यहां पर स्यूडो बच्चे ना रुके यहां पर सिर्फ सीरियस बच्चे सिर्फ यहां पर रुके बाकी सारे स्यूडो नीट पीपल क्या है ये स्यूडो नीट है अब स्यूडो का मतलब भी नहीं पता तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आई कैन नॉट डू एनीथिंग स्यूडो का मतलब पता होना चाहिए ये स्यूडो नीट वाले जाए और थोड़ा गेमिंग वेमिंग करें बेटा जो अच्छा लगता है ना वो करो जो नहीं अच्छा लगता उसको छोड़ दो जबरदस्ती कुछ नहीं करना जबरदस्ती जिंदगी में कुछ मिलता भी नहीं है जिसमें पैशन आता है जिसमें अंदर से आवाज आती है कि हाँ ये मुझे करना है वैसे तुम बोलोगे हम अंदर से तो हम सब में आवाज आती है कि एम्स में जाना है बस बिना पढ़े कैसे कोई तरीका बता दो जिसमें पढ़ना ना पड़े वही है जाना एम्स पर है सबने लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है अगर मैं आप सबसे बोलूं बेटा कि यार बिना पढ़ाई करे तुम्हारा एम्स में सिलेक्शन करा देंगे तो कौन कौन जाना चाहेगा बताओ जरा कौन कौन जाना चाहेगा कि मैं तुमसे बोलू बिना पढ़ाई कराए करा देंगे तुम बस नाम लो यस yes. बिना पढ़ाई कराए करा देंगे हाँ बहुत सारे बच्चे हैं कि मेहनत ना करनी पड़े मेहनत ना करनी पड़े क्या मजा आएगा यार क्या मजा आएगा ऐसे ही एम्स में पहुंच जाओगे कल को क्या सुनाओगे एम्स वाले बच्चे की वीडियो देखते हो ना आज मैं इतना पढ़ता था मैं इतने सोता था मेरा ये टाइम टेबल था मेरी किताबें थी मेरा ऐसा रूटीन था बेटा क्या बताओगे जाके मेरा तो कोई रूटीन नहीं था मैं तो सोता रहता था बस मेरी तो मैम ने सिलेक्शन करा दी है ना सिलेक्शन करा दी बेटा ऐसे पहुंच भी जाओगे ना मजा नहीं आएगा मजा किस चीज़ का है अगर जिंदगी में मजा लेना है ना तो मेहनत करो मेहनत करोगे कर तो अपने आप जब उस जगह पे पहुंचोगे ना तो एक प्राउड फीलिंग आएगी एक मजे वाली फीलिंग आएगी है ना बिना पढ़े एम्स में बेटा तुम्हें कोई एज अ पेशेंट भी भर्ती नहीं करेगा ठीक है पेशेंट के लिए भी वहां लाइने लगती है डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है बहुत दूर की बात है गलत सपना देख रहे हो ठीक है गलत सपना चलिए तो दो तरीके के ब्रायोफाइट्स हैं पहला जो मैं बता रही हूँ दूसरा हम करेंगे मॉसिस दो डिफरेंट तरीके के ब्रायोफाइट्स हैं अंतर क्या है इनके ब्रायोफाइट में अंतर है किस में अंतर है बेटा जी इसके गैमिटोफाइट में अंतर है देखिए जो इसका गेमिटोफाइट है ना बिल्कुल चपटा है लिवर वर्ड्स का गेमिटोफाइट बिल्कुल ऐसे जैसे लगता है कि जमीन पर बैठा हुआ है हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल इस तरीके से है बेटा इसका गेमिटोफाइट मान लीजिए गेमिटोफाइट है सो इसके लिए जो टर्म यूज करती है एनसीईआरटी वो है डॉरसो Ventrally oppressed. Very important term, बेटा. इसका जो गिटोफाइट है वो क्या है तुम्हें पता है जमीन से, से चिपका हुआ है इसके ऊपर बेटा रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है क्या निकलता है गेमिटोफाइट के ऊपर रूट लाइक रूट नहीं बोल देना रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम है राइजॉइड क्या नाम है राइजॉइड एग्जाम्पल ऑफ द लेबर वर्ड्स इज मार्केशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एनसीआर देती है तो ये तो याद रखना ही रखना है मार्केशिया इज द एग्जाम्पल ऑफ लेबर वर्ड्स अनादर एग्जाम्पल इज रिक्सिया रिक्सिया और मोसिस को बोला जाता है लीफी, लीफी ब्रायोफाइट. क्यों? क्योंकि इस ना होती है इसका जो स्टेज है वो परपेंडिकुलर मान लीजिए अगर ये धरती है धरती कैसे परपेंडिकुलर चलेगा लेट मी ड्रॉ द केमिटोफाइट सो बेटा इस तरीके का ये देखिए ठीक है ये देखो यहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो इसके गेमिटोफाइट के लिए बोला जाता है इट इज अपराइट खड़ा हुआ है एंड सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल और लीव कैसी है, बेटा? याद रखेंगे, है वैसे तो बेटा मुझे बोलना नहीं चाहिए कि लीव्स हैं इसके पास बट एनसीआरटी बोल देती है कि लीव्स लीव्स आर स्पाइरली अरेंज वैसे स्पोरोफाइट का कैरेक्टर है गैमिटोफाइट का कैरेक्टर नहीं है बट फिर भी बोल रहे हैं लीफ लाइक बोलना चाहिए था बट एनसीआरटी ने इसको लीफ ही बोल दिया चलो जी चलने जो बट तुमको पता है ये लीफ लाइक -like है ठीक है अब इसके पास बेटा क्या प्रेजेंट है राइजॉइड प्रेजेंट है एंड आर मल्टी सेलर राइजॉइड में यूनिसेलर थे यहां पर मल्टी सेलर राइजॉइड है ठीक है यहां पर यूनिसेलुलर है याद रखेंगे यूनिसेलर है एग्जाम्पल ऑफ द मॉस इज़ फ्यूनेरिया फिनेरिया फैगनम पॉलीट्राइकम पॉलीट्राइकम ठीक है जी तो ये बेसिक दो तरीके के मैंने तुम्हें ब्रायोफाइट्स बताए पहला कौन सा बताया लिवर वर्ड जिसका गमिटोफाइट बिल्कुल चपटा हुआ अप्रेस्ट, चिपका हुआ वेंट्रली अप्रेस्ड चिपका है और दूसरा वाला बेटा ऐसे खड़ा है परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है अपराइट है सिलेंड्रिकल है लीफ लाइक उसके स्ट्रक्चर है और वो स्पायरली अरेज लीव्स है ये कौन है आपकी मॉसेस है ये तो बात होगी बेटा इसके गेमिटोफाइट की एक और स्टेज भी तो आएगी दूसरी स्टेज क्या आएगी स्पोरोफाइट तो बात कर लेते बेटा स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट बड़े अजीब अजीब से मिलते जुलते से नाम है बट बारी बारी बेटा जब इनको देखेंगे तो हम समझ जाएंगे जो स्पोरोफाइट होता है बेटा ब्रायोफाइट का वो ना गेमिटोफाइट के ऊपर ही रहता है मान लीजिए ये गेमिटोफाइट है इसके ऊपर रह डिपेंडेंट है बेटा इस पर इससे जुड़ा रहेगा इससे अलग नहीं होगा ये हमने कल ही देख लिया था कल देख लिया था ठीक है कि इसका जो स्पोरोफाइट है वो गेमिटोफाइट से जुड़ा रहेगा इस पर पार्शली डिपेंडेंट है पार्शली डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट

नेक्स्ट हिस्सा बेटा ये जो स्टॉक लाइक तुमको दिखाई दे रहा है ना दिस वन दिस कॉल्ड एस सीटा क्या बोलोगे इसको सीटा और ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दीज आर कॉल्ड एस कैप्सूल अब तुमसे पूछा जाए कि इसके स्पोरोफाइट के तीन हिस्से डायरेक्ट क्वेश्चन एंड कैप्सूल इज अट इंपोर्टेंट पार्ट तो foot, part कौन सा most part the तो क्योंकि ये स्पोरोट है बेटा इसी के अंदर स्पोर्ट्स बनने हैं। और इन तीनों हिस्सों में से कैप्सूल फुट और सीटा में से स्पोर्ट्स कहां बनेंगे स्पोर्ट्स कैप्सूल के अंदर बनेंगे कहां बनेंगे बच्चों कैप्स कैप्सूल के अंदर बनेंगे तो कैप्सूल हुआ ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सो दीज आर द स्पोर्स सो इफ द क्वेश्चन विल कम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट सो क्या बोलोगे बच्चों कैप्सूल कैप्सूल लिख दिया कैप्सूल वाई बिकॉज कैप्सूल के अंदर रिडक्शनल डिविजन होगी मियोसिस होगी और क्या बनेंगे स्पोर्स बनेंगे ठीक है जी ये yes, स्पोर्स बनेंगे अब पूछा जाता है कि आउट ऑफ लिवर वर्ड्स एंड मॉसेस किसका स्पोरोफाइट नहीं किसका स्पोरोफाइट ज्यादा एडवांस्ड है और इलेबोरेट है तो याद रखेंगे आउट ऑफ दीज टू ये जो मॉसेस है ना बेटा मॉसेस दे हैव मोर एडवांस्ड स्पोरोफाइट ये एनसीईआरटी की लाइन है पूछा जा सकता है बेटा मोस्ट एडवांस्ड मोर एडवांस्ड स्पोरोफाइट और मोसेस में ज्यादा एडवांस्ड स्पोरोफाइट किसका होता है बेटा आपके मोसेस का होता है बहुत सुंदर सुंदर से प्लांट होते हैं फर्न्स का होता है ठीक है जी यस yes. सो so ये बात हो गई दो स्टेजेस की केमिटोफेटिक एंड स्पोरोफेटिक स्टेजेस नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिप्रोडक्शन कैसे होगी रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स

अभी दो मिनट के लिए इसको स्टार कर लो अभी बताऊंगी प्रोटोनिमा क्या होता है ठीक है बट ये याद रखना प्रोटोनिमा वर्ड हमेशा मॉस के लिए यूज होगा मार्केशिया के आगे प्रोटोनिमा लिखा हुआ गलत रिक्सिया के आगे प्रोटोनिमा लिखा हुआ गलत ये सिर्फ मॉसिस के लिए यूज होता है क्यों होता है अभी हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन हो सकती है बेटा इसमें और क्या होंगे बेटा जेमे वेरी 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 इंपॉर्टेंट जेमे जेमे क्या है एक तरीके के ए सेक्शुअल बर्ड है मान लीजिए बेटा ये आपका गेमिटोफाइट है इस गैमेटोफाइट के ऊपर यहां पे ना कप्स प्रेजेंट हैं दीज आर कॉल्ड एज जेमा कप्स क्या बोलोगे जेमा कप्स इन जेमा कप्स के ऊपर क्या बन रहे हैं जेमे जेमे क्या बन रहे हैं बच्चों जेमे तो इस पे सवाल आ सकता है जेमे का नेचर क्या है जेमे बेटा एसेक्सुअल बड्स है स्पोर्स नहीं है बेटा एसेक्सुअल पर्ड्स हैं ठीक है जी मल्टी सेल्युलर है एक जमे के अंदर बड़े सारे सेल्स होते हैं दे आर मल्टी सेल्युलर हरे रंग का होगा कैसा होगा ग्रीन कलर्ड होगा क्यों क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा इसी वजह से बेटा वो ग्रीन है किस में देखा जाता है मार्केंशिया में देखा जाता है जेमे आर मेनली सीन इन मार्केंशिया बनते किसके अंदर है जेमा कप्स के अंदर जेमा कप्स के अंदर बनेंगे जेमे

हाँ जी हो गया अब बेटा बात करते हैं प्रोटोनिमा की प्रोटोनिमा मैंने बताया प्रोटोनिमा किस में होता है मॉस में होता है चलो एक मॉस को देख लेते हैं मॉस जैसे कि फिनेरिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं फिनेरिया ठीक है जी थी? सबसे पहले मेरे पास क्या प्रेजेंट है स्पोर्स है तुमको पता है यार कैप्सूल के ऊपर क्या होंगे इसके पास कैप्सूल होगा स्पोरोफाइट के पास कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे स्पोर्स स्पोर्स से आगे चलते हैं बेटा स्पोर से आगे अचानक से गेमिटोफाइट नहीं बनता है अचानक से नहीं बनता हमें पता है स्पोर में जर्मिनेट करना है और गेमिटोफाइट बन जाना है ऐसा ही हमने एलगी में देखा था बट यहां ऐसा नहीं है बीच में ना ये कहते हैं कि मैं डायरेक्टली नहीं बनूंगा बीच में मैं थोड़ा सा इधर उधर होके बनूंगा वो होता है ना स्कूल जाने का एक डायरेक्ट रास्ता भी होता है फ्लाईओवर से जाएंगे और जब स्कूल में फर्स्ट लेक्चर मिस करना होता है फर्स्ट पीरियड मिस करना होता है तो जान के हम बड़ा रास्ता लेंगे बड़े अलग अलग मोहल्लों में से होते हुए जाते हुए स्कूल पहुंचेंगे ताकि लेट पहुंचे बहाना हो मेरे पास कि मैं रास्ते में लेट हो गया और फर्स्ट क्लास में जो टेस्ट होना था उस टेस्ट से बच जाए फर्स्ट पीरियड के टेस्ट से बच जाए ये भी बेटा ऐसे ही करता है स्पोर ने अल्टीमेट जर्मिनेट करके बनाना तो गेमिटो फाइटी है लेकिन डायरेक्टली नहीं बनाएगा पहले क्या बनाएगा बेटा स्पोर ना जर्मिनेट करेगा मान लीजिए स्पोर क्या किया जर्मिनेट किया बीच में एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाया इस को अपने लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाना अल्टीमेटली गैमिटोफाइट है लेकिन पहले क्या बना रहे है? प्राइमरी प्रोटोनिमा ये बच्चा स्टेज है बेटा अभी दिस इज द जूविनाइल स्टेज जोविनाइल स्टेज ये असली गेमिटोफाइट नहीं है वो तो बनेगा क्योंकि मॉस का तो गेमिटोफाइट तुम्हें पता है, अपराइट होता है, है ना सो दिस इज नॉट रियल गेमिटोफाइट बना रहा है, बस बीच में. ठीक है? इसके पास कोई सेक्स ऑर्गन भी नहीं है नो सेक्स ऑर्गन इसकी बॉडी में कोई रूट लीफ जैक्ट्रक्चर देख रहा है नहीं बड़ी ही थेलॉइड अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी है ठीक है अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी है अभी इसने क्या बनाया प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाया फिर से जर्मिनेट किया फिर से जर्मिनेट किया बेटा और क्या बना लिया सेकेंडरी प्रोटोनिमा अभी भी नहीं बन रहा है अब क्या बना लिया सेकेंडरी सेकेंडरी प्रोटोनिमा प्रोटोनिमा फिर में अल्टीमेटली होगी इसमें होगी फ्रेगमेंटेशन और उसके बाद बेटा ये बनाएंगे असली गेमिटोफाइट ठीक है देन दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ लीफी स्टेज क्योंकि इनका गेमिटोफाइट तो लिफी होता है ना यस सो दिस इज रियल गेमिटोफाइट ये क्या है बच्चों रियल गैमिटोफाइट है जिसके पास लीफी स्टेज प्रेजेंट है जिसके पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे होंगी तो याद रखना है ये बात लिवर वर्ड्स की नहीं हो रही ये बात मॉसिस की हो रही है मॉसिस में जब ये ऊपर कैप्सूल से स्पोर्स निकलते हैं ये देखो बेटा ये रहे कहाँ गया कैप्सुल <laughs> वो पेज कहां गया यार वेयर इज दैट पेज जहां मैंने वो बनाया था हाँ ये रहा। हाँ जब बेटा कैप्सूल से स्पोर्स निकलते हैं तो अल्टीमेटली बेटा जो स्पोर्स हैं, वो डायरेक्टली केमिटो नहीं बनाएंगे बीच में प्रोटोनिमा स्टेजेस बनाएंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म दैमिटो फाइट ठीक है देन दे आर गोइंग टू फॉर्म दैमिटो फाइट ठीक है बच्चों क्लियर हो गया एक बार बता दो चैट सेक्शन में लाइक करके यस yes. और ये याद रखेंगे प्रोटोनिमा सिर्फ मॉस में होता है लिवर वर्ड्स में नहीं होता ये बात होगी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की देन चलते हैं बेटा जी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा इनका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हाँ जी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे चले ओके जी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेटा एक तो होगी वाया उ मोटाइल स्मॉल मेल गैमिट होगा ये देखिए और नॉन मोटाइल बड़ा फीमेल गैमिट होगा तो इस तरीके से होगी सेकेंड बेटा इसमें होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर एल्गी में तो देखो तो दोनों होती हैं इसमें होती है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये होगा आर्किगोनियम के अंदर फीमेल पार्ट के अंदर इन साइड करें बेटा इसकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर्किगोनियम तो मान लो मैं एक गैमिटोफाइट बना रही हूं इधर ध्यान देना इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ओके okay. इसको इधर पहुंचा दें चलिए एक गेमिटोफाइट बनाते हैं बड़ा सा। इज so, द गेमिटोफाइट तुम्हें पता है गेमिटोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो बना लेते हैं क्या नाम दोगे मान लीजिए ये हमने क्या बनाया फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलोगे आर्किगोनियम आर्किगोनियम ये मैंने आपको कल ही सिखा दिया था मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथरीडियम सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। सबसे पहले मेल ऑर्गन क्या बनाएगा, बनाएगा. कैसेरोजॉइड क्या नाम रखेंगे बेटा इसका एंथेड क्या नेचर है बाई फ्लैजिलेटेड क्या है ये मेल का गे बना दिया बना दिया अब बेटा इसको पहुंचना है फीमेल के गीट के पास क्योंकि फीमेल भी पर बनाकर बैठी है फीमेल के पास भी भी क्या प्रेजेंट है एग सेल इसने भी अपना बना लिया अब मेल अगर फीमेल के पास पहुंचना चाहता है डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता बच्चों इसको कौन चाहिए इसको चाहिए बेटा पानी सो इट विल रिक्वायर वॉटर फॉर द मूवमेंट तो ये मेल गैमिट बेटा पानी की मदद से किसके पास जाएगा फीमेल वाले के पास जाएगा तो मूवमेंट दिखा दे इसकी हाँ जी सो द मेल गैमीट विल यूज वॉटर फॉर द मूवमेंट इन टू द फीमेल गैमीट और मेल गैमीट बेटा जब फीमेल के अंदर घुस जाएगा तब जाकर इसमें फर्टिलाइजेशन होगी यानी कि फर्टिलाइजेशन आर्किगोनियम के अंदर हो रही है दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये देखो चल के आ रहा है पानी की मदद से आ रहा है यहां पर ये लोग फर्टिलाइज करेंगे आर्किगोनियम के अंदर कैसे पता चला कि ये आर्किगोनियम में मेल गैमीट को क्योंकि बेटा आर्किगोनियम ने कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज किए के जिसने मेल गैमीट को अपनी तरफ खींचा उस मूवमेंट को जो केमिकल की तरफा होती है केमिकल की तरफ जा रहे दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट

अब बेटा ये आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा तो मैं जयगॉट की जिंदगी लिख दू यहाँ पर जायगॉट बन गया टू एन इसने माइटोसिस किया और क्या बना लिया एम्ब्रियो देर्स्ट एम्ब्रियो फाइट ठीक है 2n अब बेटा यहां से क्या बन जाएगा स्पोरोफाइट अगेन 2n है ना और स्पोरोफाइट हमेशा आर्कीगोनियम से अटैच्ड रहेगा क्योंकि ये ब्रायोफाइट है इनका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अलग नहीं होता है याद रखना है यहीं पर बेटा इसी के ऊपर इस तरीके से आपका इसका पूरा स्पोरोफाइट बन जाएगा और वो आर्कीगोनियम से सदा अटैच्ड रहेगा सदा अटैच्ड रहेगा ये इसका लाइफ साइकिल है ये इसका लाइफ साइकिल है।, है यार गैमिटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन ने बनाए गैमिट्स गैमिट्स बेटा पानी की मदद से आए फीमेल वाली के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर दोनों फ्यूज करे फ्यूज करने पर बनाया जायगोट ने इस एम्ब्रियो ने स्पोरोफाइट स्पोरो पर गया यहीं पर अटैच रहेगा बेटा स्पोरोफाइट कहीं ही नहीं रहा

होमोथैलिक बोलोगे ठीक है जी होमोथैलिक बोलोगे मैं तुम्हें हेट्रोथैलिक भी दिखा देती हूँ बट होमोथैलिक है ये यस एब्सोल्युटली मोनोशियस समझ आ गया बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आया अब बेटा इसमें जो हमने लिवर वर्ड्स में एग्जांपल किया था दैट इज मार्केंशिया मार्केंशिया के बेटा अगर बात करें ये हेटेरोथैलिक है इसमें अलग अलग थैलेस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है दिस इज हेड्रोथैलिक हेड्रोथैलिक को तुम यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हो और डायोशियस भी बोल सकते हो डायोशियस भी बोल सकते हो इसके पास मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट थैलेस है अलग अलग इसके पास बॉडीज um, है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की दो डिफरेंट थैलेस मैं तुम्हें ना एनसीआरटी में से दिखाती हूँ दिखाया भी हुआ है लेट मी जस्ट शो यू हाँ ये देखो दिख रहा है दिस इज मार्केशिया आप यहाँ पे नोटिस करिए ये क्या दिया हुआ है मार्केशिया हां जी ध्यान दो दिख रहा है ये देखो इस मार्केशिया के पास आर की गोनियो फोर है इसके पास एनथ्रीडियो फोर है यानी कि थैलस अलग अलग है ठीक है थैलस अलग अलग है मेल अलग है फीमेल अलग है ये कौन सा हो जाएगा बेटा जी ये वाला कौन सा हो जाएगा जिसके पास आर की गोनियो फोर है ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द फीमेल वन एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेल वन ठीक है मेल वन अगर तुम यहां पर ध्यान दोगे तो नीचे यार गैमिटो है केमिटोफाइट के ऊपर ही क्या बना दिया इन्होंने स्पोरोफाइट बना दिया ठीक है इसके जो सेक्स ऑर्गन है ये बेटा इसके सेक्स ऑर्गन है ये इसके सेक्स ऑर्गन है यानी कि ये आर्किगोनियम है दिस इज आर्किगोनियम एंड दिस इज एंथरेडियम इसके बेटा जो सेक्स ऑर्गन है वो एक स्टॉक पर प्रेजेंट है एक डंडी के ऊपर प्रेजेंट है लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट डंडी ये जो डंडी दिख रही तो -like है और क्या प्रेजेंट है एंथ्रीडियम है ठीक है तो सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन दिस स्टॉक एंड देश एज फोर आर्गोनियो फोर एंड एंथरीडियो फोर हाँ जी क्लियर है Yes. ये देख लो जेमा कप्स है इसके ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए रूट लाइक है क्या है राइजॉइड है नीचे देखिए बेटा फिनेरिया फिनेरिया में इन्होंने गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों दिखाया है ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है और यहाँ दिखाया भी हुआ है दिखाया भी हुआ है गैमिटोफाइट भी प्रेजेंट है और ऊपर स्पोरोफाइट भी प्रेजेंट है जिसके पास कैप्सूल है सीटा है तुम बोलोगे फुट कहाँ फुट बेटा अंदर घसा हुआ है अंदर घुसा हुआ है यहां दिख नहीं रहा बट इसके पास फुट भी है देन ये सीटा है देन ये कैप्सूल है कैप्सूल के अंदर बनेंगे स्पोर स्पोर नीचे गिरेंगे एंड अल्टीमेटली जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे आपका फिर से गेमिटोफाइट बना लेंगे तो यार यहाँ पर फिनेरिया में गैमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेज एक साथ दिखा दी क्योंकि हमें पता है गेमिटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट रहता है डिपेंडेंट है वो इस इसपे और जबकि इधर स्पैगनम के बारे में देखेंगे दिस इज स्पैगनम स्पैगनम में बेटा ये उसका गेमिटोफाइट दिखाया है दिस इज द गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर ही तो सेक्स ऑर्गन होते हैं है ना एंथ्रीडियल ब्रांच है और आर्किकोनियल ब्रांच है ओके okay जी क्लियर डायग्राम पहचान लोगे डायग्राम पहचान लेंगे बच्चों हां जी बता दो फटाफट से यस yes, बिल्कुल करेगा प्रकृति जेमा कप स्क्रीन है जेमे ग्रीन है बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट यस हाँ जी चलिए आप थोड़ा सा यूज कर लेते हैं कि क्या इनके फायदे हैं थोड़ा सा फायदे देख लें ये देखो बेटा अगर बात करें ब्रायोफाइट्स की दे आर ऑफ लिटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो दो तरीके की इंपॉर्टेंस बताऊंगी एक होती है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एक होती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब इन्वायरमेंट के लिए क्या फायदा है इकोनॉमिक हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब हमें क्या फायदा है तो यार ये कह रहे हैं एनवायरमेंट के लिए तो अच्छे हैं लेकिन हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं देते बट देर आर सम मॉस विच प्रोवाइड्स फूड फॉर हर्बेशियस मैमल बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी कि कुछ मॉसेज ऐसी हैं जो कि क्या है फूड की तरह एक्ट होती है वो क्या है एडिबल मॉस है अब स्पेशल मेंशन किसका दिया गया है स्पेशल मेंशन दिया गया है स्पैग्नम का इस पर ध्यान देना ये एक मॉस है ठीक है ये क्या है एक मॉस है विच प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग फ्यूल तो यार इसको बोला जाता है पीट मॉस लिख लो यहाँ पर जो आपकी स्पैगनम है स्पैगनम इज कॉल्ड एज पीट मॉस क्यों? बिकॉज इट इज यूज एज फ्यूल पीट यानी कि कोल जैसा स्ट्रक्चर स्वैगनम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा जी कॉटन मॉस ठीक है क्यों क्योंकि यार वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जब सोल्जर्स को चोट लगती थी ना तो कॉटन मरम पट्टी के लिए लगाया जाता है चोट लगेगी तो और uh, डिटॉल भी लगाया जाता है डिटॉल टाइप सम एंटीसेप्टिक तो ये जो है 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 ना एक तो बड़ी, uh, है, है, तो बड़ी नेचर की सॉफ्ट मरम पट्टी की तरह भी यूज हो सकती है प्लस इसका एंटीसेप्टिक नेचर भी है इसीलिए इसको बोला जाता है कॉटन मॉस क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसको एज अ पट्टी यूज किया जाता था इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉग मॉस ठीक है यस देन बेटा कह रहे हैं इट इज ऑल्सो यूज एज अ पैकेजिंग मटीरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल बिकॉज इट कैन होल्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर अब यार तुमने शादियां देखी है एक तो शादियां होती हैं थोड़ी ज्यादा हाई क्लास पे ना जाए नॉर्मल शादी जिसमें गेंदे के फूल लगते हैं लेकिन अगर बेटा बहुत ही हाई क्लास शादियों में जाओगे उसमें ये गेंदे के फूल नहीं लगते हैं दे यूज ऑर्नामेंटल फ्लावर्स लाइक टैलिया ऑर्किड्स ट्यूलिप्स है ना ये सब अब यार आजकल जो शादियां हैं कोई अपने गाँव में थोड़ा करता है चाहे वो रहने वाला व्यक्ति गाँव में है आजकल जो शादियां होती हैं बेटा डेस्टिनेशन वेडिंग होती है मसूरी जाके शादी करेंगे गोवा जाके शादी करेंगे थाईलैंड जाके शादी करेंगे तो यार जब डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो वहां तक सामान भी तो पहुंचाना पड़ेगा है ना ये जो अच्छे अच्छे फूल हैं महंगे महंगे ऑर्किड्स हो गए ही डालिया हो गया ट्यूलिप्स हो गया इनको मतलब ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा है ना इनको लेकर जाना पड़ेगा गोवा इनको लेकर जाना पड़ेगा मसूरी इनको लेकर जाना पड़ेगा उदयपुर जयपुर जहां पर भी डेस्टिनेशन वेडिंग है तो यार इतने तो महंगे फूल को अगर मैं ट्रांसपोर्ट करूंगी नॉर्मल ट्रक के अंदर और पन्नी में रैप करके ये तो सूख जाएंगे सूख जाएंगे है ना सूख जाएंगे तो उससे बचाना है यानी कि इनको ऐसी चीज में रैप करना है जो उनको हर समय पानी देता रहे इनको सूखने ना दे और वो कौन है वो है स्पैगनम क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो यार ये जो महंगे महंगे फूल होते हैं ना इनको डेस्टिनेशन वेडिंग के वेन्यू तक पहुंचाने के लिए हम इनको रैप कर देते हैं बढ़िया रैप कर देते हैं किस में स्पैगनम में तो स्पैगनम इनको सूखने नहीं देता है क्योंकि पानी को पकड़ के रखता है ये और बेटा वो ट्रांसपोर्ट भी आसानी से हो जाते हैं ठीक है जी हाँ कह रहे हैं हेलीकॉप्टर पे लेके जाएंगे बेटा किसकी शादी हो रही है जो फूल भी हेलीकॉप्टर से आएंगे आजकल बारात तो हेलीकॉप्टर पे आती है मैंने देखी है टीवी में ही देखी थी बेटा दूल्हा वॉज कमिंग ऑन हेलीकॉप्टर बट फूल में हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट करो स्फेगनम यूज कर लो यार है ना स्फेगनम यूज कर लिया करो ठीक है चलो आगे आ जाओ अब बेटा मॉसेस का यूज और भी यूजेस हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है क्या है बेटा के साथ दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक इकोलॉजिकल सक्सेशन पड़ा है लाइक सबसे पहले आए थे जहां पर कुछ जिंदगी नहीं थी सबसे पहले लाइक आए थे उनके साथ मॉसेस भी आए थे तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो तुम्हें पता चला इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो हमारे फायदे की है इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंट के फायदे की है ठीक है दे डीम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट बेटा डीकम्पोज करते हैं हायर प्लांट्स के लिए सॉइल बनाते हैं सॉइल इरोजन होने से रोकेंगे ताकि बेटा आने वाले समय में अच्छे बड़े प्लांट्स ग्रो कर पाए ठीक है दे फॉर्म डेंस मैट ऑन द दॉय मैंने तो बताया था ग्रीन कलर का पूरा कारपेट बिछा देते हैं बेटा सॉइल के ऊपर एंड रिड्यूस द फॉलिंग ऑफ रेन ऑफ द सॉइल सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे सॉइल को बांध के रखेंगे पानी को बांध के रखेंगे ताकि वहां पर नई ग्रोथ हो पाए ब्रायोफाइट्स दे आर डिवाइडेड इंटू लिवर वर्ड्स एंड मॉसेस ये हमने कर लिया ये हमने कर लिया ठीक है जी ये लिवर वर्ड्स के बारे में, में बेटा पूरी बात कर ली जैमा के बारे में के बारे में प्रोटोनिमा कौन है ठीक है जी? ये हमने डिस्कस कर लिया है सो अनदर डिविजन दैट इज प्रायोफाइट अगला कर ले है अगला कर ले बताओ अभी भी वही घुसे हुए हो क्या कि शादी कैसे करनी है बेटा डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मेहनत करनी पड़ती है अभी से मेहनत करोगे तब जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग होगी ठीक है तब जाकर होगी बहुत बढ़िया है लिवर वर्ड्स हमारे लिवर से ही निकले हैं सही कह रहे हैं लिवर वर्ड्स क्या लिवर से निकले हैं यस ये मैं लास्ट में बताऊंगी निहारिका ये बिल्कुल एंड में आएगा कल की हाँ कल बेटा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी अच्छा ये बात बताओ बेटा आपने इस क्लास में एनरोल करा कि नहीं करा यस हैव यू एनरोल्ड इन दिस क्लास और नॉट ये जो मैंने पिन कराई हुई है आज शाम को पांच बजे टेस्ट है ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का टेस्ट है बेटा डाइजेशन का हैव यू एनरोल्ड और नॉट एवरी डे होगा बेटा पांच बजे यस yes. बताओ एनरोल कर लिए एनरोलमेंट बहुत जरूरी है फ्री क्लास है बेटा वैसे एनरोल करने को क्यों बोल रही हूँ नोटिफिकेशन आएगा नहीं आया तो तुम सोते रह जाओगे ठीक है सोते रह जाओगे यस yes, सब बच्चे एनरोल कर लीजिए जिसने नहीं किया जस्ट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन एनरोल एंड यू विल बी डन कम बैक टू दिस से जी

क्योंकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ब्रायोफाइट जैसा है वैसे ही एंथ्रीडियो एंथ्रीडियम उसमें से मेल गैमेट निकला पानी की मदद से वो फीमेल के पास गया सेम है यानी कि दे आर वास्क्यूलर एम्फीबियंस एम्फीबियन वैसे अपने ब्रायोफाइट है बट अगर कोई पूछे वास्क्युलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है तो तुम बोलोगे वास्क्यूलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इज नन अदर देन द टेरिडोफाइटा बेटा ये बड़े सुंदर सुंदर से प्लांट्स होते हैं दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंट्स

तुम ऐसे जाओ घर के बाहर निकलो गांव में निकलो तुम देखो कि ये टेरिडो है नहीं ऐसे नहीं दिखेगा क्योंकि टेरिडो को ग्रो करने के लिए एक तो लैंड चाहिए शेडी ढका हुआ एनवायरमेंट चाहिए कूल भी चाहिए और मॉइस्ट भी चाहिए तो बड़े नखरीले प्लांट है आसानी से हर जगह नहीं दिखते हैं और बेटा ये कहा पाए जाते हैं सैंडी सॉइल में भी इनका देखा गया है दे आर ऑल्सो सीन इन सैंडी सॉइल कंडीशन ठीक है जी यस yes. तो मैंने तुम्हें बताया वैसे तो ये क्या है टेरिस्ट्रियल है वैसे तो बच्चों ये क्या है Terrestrial है, लेकिन इसमें से बेटा कुछ अक्वाटिक तो अक्वाटिक के तीन नाम तुम्हें याद होने चाहिए कि कौन सा टेडोफाइट ऐसा है जो कि अक्वाटिक है सबसे पहला अजोला अजोला नाम सुना सुना है कि नहीं है फर्स्ट वन इज अजोला फर्न yes, ये बेटा एक बायो फर्टिलाइजर है तुमको पता है ये बेटा एना बिना के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है और ये मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो याद रखना है अजोला देन मार्सेलिया देन तुम्हारे पास आ जाएगा सैलबिनिया तो अगर तुमसे कोई पूछे अक्वाटिक टेरिडोफाइट्स बताइए तो आप बोलेंगे अजोला मार्सेलिया एंड साल्विनिया यस yes, साल्विनिया याद करो बेटा अभी ए एम एस ए एम एस अजोला बेटा टेलीग्राम पे मिल जाएंगे सारे नोट्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे खुद इनको लिखना नहीं है बना बनाया सब चाहिए बेटा ऐसा करती हूँ मैं ना नोट्स लिख देती हूँ पूरे चैप्टर के और जो बचा हुआ हिस्सा है, वो शेयर कर देती हूँ पढ़ लेना खुद खुद पढ़ लेना चलेगा चलेगा बस नोट्स लिख देते तुम्हें तो नोट्स चाहिए है नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से ले लेना मेरे बड़ा आसान है सेशन के तुरंत बाद मिल जाते हैं ना अभी आप अपना टाइम बचाइए और कुछ सीरियल वीरियल देख लीजिए ये भी क्या है बेटा मोस्टली होमोस्पोरस है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखवाऊंगी बट फ्यू हेटेरोस्पोरस और मैं तुम्हें तो बताऊं इसी की ये हेटेरोस्पोरी है जो इसका जिम्नोस्पर्म जैसा कैरेक्टर है बिल्कुल एंड में आज बताऊंगी बट याद रखना कि इसमें फ्यू हेटेरोस्पोरस है कौन से हेटेरोस्पोरस है सिलाजेनेला एग्जांपल ये बेटा साथ साथ हो रही हैं सिलाजेनेला साल्वेनिया मार्सेलिया ऐसा लगता किसी आदमी का नाम है मार्सेलिया ठीक है जी तो मोस्टली होमोस्पोरस एक ही तरीके के स्पोर बनते हैं बट कुछ ऐसे हैं जिसमें अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनते हैं दैट इज ला, साल्वेनिया एंड मार्सेलिया अब इसकी डोमिनेंट फेज कौन सी है कल बताया था व्हिच इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट फेज ऑफ द स्टेरिडोफाइट डोमिनेंट फेज अब तक जो डोमिनेंट फेज चल रही थी वो कौन सी चल रही थी गैमेटोफाइट लेकिन अब जो डोमिनेंट फेज है धीरे धीरे आप देखेंगे गेमिटोफाइट रिड्यूस होता जा रहा है डोमिनेंट फेस कौन सी रहेगी आपकी स्पोरोफाइट? ये जो बच्चे स्पोरोट लिख रहे हैं ना वाला नहीं याद किया उन्होंने फेस इस कौन सा रहेगा बेटा जी स्पोरोफाइट इनका जो स्पोरोफाइट होता है ना छोटा सा प्लांट होता है बड़ा क्यूट सा द तो स्पोरोफाइट इज अ स्मॉल हर्बेशियस प्लांट हर्बेशियस प्लांट मैं ना आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ दिस इज हाउ देर स्पोरोस प्लांट रूट भी होंगे जिसके पास एडवेंटिशियोफाइट है. है, दिखाई देता है बेटा इनकी पत्ती छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कर रहे हैं स्पोरोफाइट का हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं पत्ती के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है फिल यूज किया जाता है तो छोटी पत्ती है तो माइक्रोफिल बड़ी पत्ती है तो क्या है मेगाफिल है ना मैक्रो माइक्रोफिल तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स लीव यहां पर बना रही हूं इट कुड बी माइक्रोफिल इफ इफ इट इट इज इज स्मॉल 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 बेटा देखा जाता है सेलाजेनेला में नाम बड़ा है बट बड़ पत्ती छोटी है सेलाजिनेला बेटा ऐसा भी याद करना है और इट कुड बी लार्ज यानी कि माइक्रोफिल माइक्रोफिल लार्ज भी हो सकती है पत्ती सीन इन फोन Ons में बड़ी बड़ी पत्तियां होती है। तो फिल छोटी some, uh, जिनके पास स्पेशल टाइप की पत्ती है जिसका नाम है स्पोरोफिल फिर से फिल आया फिल यानी कि पत्ती के बारे में बात हो रही है स्पेशल टाइप की पत्ती स्पेशल टाइप की पत्ती क्यों है ये देखो भाई पत्ती बना दी पत्ती के पिछली साइड पे जैसे मान लो ये पत्ती है इसकी पिछली साइड पे अंदर से क्या देखेंगे अंदर से जब देखा तो यार इसके ऊपर ऐसा कुछ गोल गोल प्रेजेंट है ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है स्पोरेंजियम। क्या है स्पोरेंजियम। पत्ती की कौन सी साइड पर प्रेजेंट है बेटा पत्ती के डोरसल साइड पर प्रेजेंट है कौन सी साइड पे? डोरसल तो ऐसी पत्ती जिसके डोरसल साइड पर स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे ना जिसके डोरसल साइड पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उस पत्ती को हम बोलते हैं स्पोरोफिल क्या बोलेंगे बेटा उस पत्ती को उस पत्ती को जिसके डॉर्सल साइड पर स्पोरेंजियम होगा जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल ठीक है जी अब दो केस हो सकते हैं दो केस हो सकते हैं बच्चों ये देखो या तो पत्ती में स्पोरेंजियम ऐसे दूर दूर है जैसा कि ऊपर दिख रहा है या फिर बेटा पत्ती में पत्ती के डॉर्सल साइड पे स्पोरेंजियम ऐसे झुंड बना के बैठे हैं देख रहे हो झुंड बना के बैठे स्पोरेंजियम भी दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं स्पोरोफिल के ऊपर या तो अकेले अकेले ये देखो अकेले अकेला स्पोरेंजियम है इसके अंदर स्पोर्स बनने या फिर बेटा इस तरीके से झुंड बनाकर बैठा है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है इस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को अपने लोग बोलते हैं सोरस प्लूरल में बोलेंगे सोराय इस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को मतलब ऐसी पत्ती जिसके पीछे स्पोरेंजियम तो है लेकिन वो एक झुंड बनाकर बैठा है ग्रुप बनाकर बैठा है इसको हम क्या बोलेंगे सोरस बोलेंगे ठीक है जी तो कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिसमें स्पोरेंजियम अलग-अलग है कुछ में बेटा इस स्पोरेंजियम Dorsal साइड पे सोरस बना रहे हैं अब किस में अलग-अलग है हियर द एग्जांपल आर गोइंग टू बी सेलाजेनेला सेलाजेनेला एंड इक्वेस्टम इक्वेस्टम ठीक है इसके अंदर तो अलग अलग प्रेजेंट है तो सोरस क्या है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया याद रखें ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया ओके जी ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया किसमें देखा जाता है फोन में तो सोरस आर सीन इन फोन्स ओके जी सोरस आर सीन इन फोन्स याद करो ओके okay, जी अब एक स्पोरेंजियम के अंदर देखते हैं ये देखिए मान लीजिए ये स्पोरेंजियम इस इसके पास बेटा क्या प्रेजेंट होंगे स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगे ये जो स्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होगा सी बात है मियोसिस होकर ये स्पोर्स बना लेंगे और है, इन स्पोर्स अल्टीमेटली क्या बनेगा इसका गैमिटो ठीक है तो स्पोरोफाइट इसका देख लिया द डोमिनेंट फेज इज एक्चुअली स्पोरोफाइट जिसके पास प्रॉपर रूट आ गया है, stem आ गया गया है स्टेम है पत्ती आ गई है पत्ती बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है और कई बार पत्ती के पीछे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्पोरेंजियम उस पत्ती को हम बोलते हैं स्पोरोफिल कई बार बेटा स्पोरेंजियम जैसे कि फोन में इकट्ठा प्रेजेंट होता है बिल्कुल इकट्ठा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सोरस और आ, अपने इक्वेस्टम में अलग अलग प्रेजेंट होता है ठीक है जी अब बेटा देर आर जो पत्तियां हैं जिनके पीछे है वो भी ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होती है देखो देख रहे हो ऐसे पत्ती प्रेजेंट है इन सब पत्ती के डॉरसल साइड पे स्पोरेंजियम है ठीक है डॉर्सल साइड पे स्पोरेंजियम है बट पत्ती ऐसे ग्रुप में है या फिर बेटा पत्ती ऐसे नॉर्मल भी हो सकती है जरूरी नहीं है ग्रुप में प्रेजेंट हो देख रहे हो दो केसेस है दो केसेस प्रेजेंट है इसमें तो क्या है स्पोरोफिल अलग-अलग है स्पोरोफिल यानी कि पत्ती स्पोरोफिल इज सेपरेट लेकिन बेटा इसमें स्पोरोफिल का एग्रीगेट है इसमें क्या है देयर इज एग्रीगेट ऑफ स्पोरोफिल समझ रहे हो स्पोरोफिल यानी कि वो वाली पत्ती जिस पे स्पोरेंजियम है एग्रीगेट ऑफ स्पोरोफिल जब बेटा ऐसे पत्तियों का झुंड बन जा रहा है ऊपर देख रहे हो पत्ती का झुंड बन जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलस स प्लूरल में बोलेंगे स्ट्रॉबिलाय एग्जाम्पल okay जहां पर स्ट्रॉबिलस पाया जाता है अगेन इक्वेस्टम समझ गए समझ गए तो यार जब स्पोरेंजियम का झुंड है ये देखो स्पोरेंजियम का झुंड है तो वो सोरस है वो सोरस है और ऐसी पत्ती का जब झुंड है स्पोरोफिल का झुंड हो रहा है तो वो है स्ट्रॉबिलस स्ट्रॉबिलस लीव्स का झुंड है लीव्स का ग्रुप है और सोरस बेटा स्पोरेंजियम का ग्रुप है अलग अलग में देखी जाती है फोन में और एक साथ किस्में देखी जाती है इक्वेस्टम में ठीक है तो याद रखना है स्ट्रॉबिलस किसमें एबसेंट है यू हैव टू रिमेंबर दैट स्ट्रॉबिलस इज एबसेंट इन फोन्स एबसेंट इनफोन्स ये भी बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पत्तियों का झुंड है वो फोन में नहीं बनता फोन में हर पत्ती अलग अलग है लेकिन पत्ती का झुंड किस में बनता है इक्वेस्टम में बनता है इक्वेस्टम में बनता है लेट मी शो यू जी बेटा हां जी बेटा दिख रहे यस, yes! सिलाजिनेला इक्वेस्टम इक्वेस्टम में देखिए बेटा स्ट्रॉबलेस दिख रहा है ये देखिए बेटा पत्ती का झुंड है ये छोटी छोटी पत्तियां हैं दिस इज द झुंड ऑफ स्पोरूफिल जबकि ये चीज में नहीं दिखाई देगी फर्स में नहीं दिखाई देगी तो ध्यान रखना है स्ट्रॉबिलस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इक्वेस्टम में दिखाई देगा और इसकी बॉडी में तुमको नोट भी दिखाई दे रहे हैं इंटर नोट भी दिखाई दे रहे हैं ठीक है जी और इसका अंडरग्राउंड हिस्सा भी दिखाई दे रहा है दैट इज राइजोम क्या दिख रहा है राइजोम ठीक है तो राइजोम क्या है अंडरग्राउंड स्टेम फर्स्ट अंडरग्राउंड स्टेप हाँ जी पता चल रहा है क्या बात हो रही है पता चल रहा है अभी तक बेटा जो हमने बात की वो किसकी बात की इसके डोमिनेंट स्टेज की बात की दैट इज स्पोरोफाइट की बात की अब बेटा थोड़ा सा बचा है बस इसके गेमिटोफाइट देख लीजिए कैसा होगा स्पोरोफाइट में तो प्रॉपर रूट लीव सब दिखाई दे रहा था क्योंकि वो डोमिनेंट स्टेज था इसका गेमिटोफाइट बेटा प्रोथैलस है इसके गेमेटोफाइट को प्रोथैलस बोला जाता है लेकिन सिर्फ होमोस्पोरस में हेट्रोस्पोरस में प्रोथैलस नहीं बोलोगे दूसरा बेटा इसका गेमेटोफाइट अलग हो जाता है स्पोरोफाइट से तो वो फ्री लिविंग है वो डिपेंडेंट नहीं है ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता बेटा आगे के जो प्लांट्स आएंगे ना उसमें अच्छे से नहीं दिखेंगे बड़ा रिड्यूस्ड होगा गेमेटोफाइट इसका भी इनकॉन्सपिक्वस है इनकॉन्सपिक्वस इनकॉन्पिक मतलब अच्छे से नहीं दिखाई देता बड़ा ही स्मॉल होता है मल्टी सेलुलर होगा मल्टी सेलर होगा मोस्टली फोटो सिंथेटिक होगा मोस्टली फोटो सिंथेटिक कुछ कुछ सेप्रोफेटिक भी होते हैं बट मोस्टली फोटो सिंथेटिक होंगे और थैलॉइड होगा हमें रूट लीव स्टेम अलग से दिखाई नहीं देगा बिल्कुल अनडिफ्रेंशियटेड मास की तरह प्रेजेंट है दैट इज थैलॉइड ठीक है थैलॉइड पता चल रहा है अब यार अगर मैं इसका गेमिटोफाइड बनाऊ जैसे कि ये तुम कहोगे दिल है दिल नहीं है बेटा केमीटोफाइट है नीचे तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जैसे कि बेटा यहां पर प्रेजेंट है एंथरेडियम मेल सेक्स ऑर्गन और बेटा क्या प्रेजेंट होगा आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन बिल्कुल सेम उसी तरीके से बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि एंथ्रीडियम क्या बनाएंगे मेल गैमिट बनाएंगे वो मेल गैमिट पानी की मदद से किसके पास जाएंगे आर्किगोनियम के पास जाएंगे आर्किगोनियम बेटा किसके अंदर क्या होगी फर्टिलाइजेशन और वहां से आपका क्या बनेगा जयगॉट बन जाएगा तो सेम टाइप का ही रिप्रोडक्शन है अंतर क्या है अंतर क्या है बेटा वहां पर जो मेल गैमिट था वो बाई फ्लैजिलेटेड था यहां जो मेल गैमिट है इस पर फोकस करना यहां जो मेल गैमिट है वो मल्टी फ्लैजिलेटेड है बस यही अंतर है बस बेटा यही अंतर है ब्रायोफाइट में वो बाई बाइफ्लेजिलेटेड था दो थे यहां पर कितने है मल्टी बहुत सारे फ्लैजेल्ला है बाकी सेम रहेगा बेटा पानी की मदद से से मूवमेंट पहुंच जाएंगे फीमेल वाले के पास और वहां पर जाकर हो जाएगी फर्टिलाइजेशन ठीक है जी दूसरी चीज बेटा मैंने तुम्हें बताया कि ये बड़े नखरीले होते हैं टेरिडोफाइट्स बहुत ही नौ भी चाहिए ठंड भी चाहिए और गीलापन भी चाहिए मोइस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं यानी कि दे हैव अ वेरी नैरो ऐसा नहीं होगा so, चला कि इनका बहुत ही नारो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है और बेटा एक और भी रीजन है एक तो ये रीजन है कि यार ये शेडी एरिया में कूल में और मॉइस्टेरियम पाए जाते हैं वन ऑफ द अनदर रीजन इज दैट दे नीड वॉटर फॉर फर्टिलाइजेशन वो हर जगह नहीं होता फर्टिलाइजेशन के लिए इसको पानी चाहिए होता है इसीलिए इनका रेंज बहुत नैरो तुमको नहीं दिखेंगे हर जगह तुमको बेटा नहीं दिखेंगे ओके जी डन हो गया डन हो गया हाँ जी एक और चीज बेटा इसमें रह, रहती है मैंने तुम बताया था मोस्टली मोस्टली होमोस्पोरस है बट ये हेटेपोरी भी शो करते हैं क्या शो करते हैं हेटेरोस्पोरी बेटा जिनको लगता है कि ये चैप्टर बड़ा बोरिंग है बायोटेक्नोलॉजी कराई जाए ह्यूमन फिजियोलॉजी कराई जाए जेनेटिक्स कराई जाए हैं? कौन है ये बच्चे जिनको ऐसा लगता है हाँ जी किसको ऐसा लगता है हाँ किसको ऐसा लगता है नहीं बेटा नोट्स खुद बनाने हैं मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे टेलीग्राम ज्वाइन करना रहेगा ठीक है आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए क्लास के तुरंत बाद मिल जाएंगे दीप्ति बिल्कुल मिलेंगे बट खुद भी बनाने हाँ जी लगता है कि बड़ा बोरिंग है यार क्यों पढ़ा रही है मैम कुछ और पढ़ाए बेटा उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगी चाहे तुम्हें चैप्टर बुरा लगे चाहे तुम्हें चैप्टर अच्छा लगे सवाल तो आएगा ही आएगा सवाल आएगा और सवाल के लिए हर चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है आप ये चैप्टर बुरा है ये सोचकर किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो तो इसके गैमिटोट के पास बेटा दो तरीके के स्पोर्स होंगे कुछ कुछ क्योंकि मैंने बताया हेट्रोस्पोरी भी है माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर अब बड़ा ध्यान दे रहा ये जो माइक्रोस्पोर है ये क्या बनाएंगे बड़ा होकर मेल गैमिट बनाएंगे

सेपरेट हो जाएगा स्पोरोफाइट से विल सेपरेट लेकिन ये जो ये जो फीमेल है सेपरेट नहीं होगा कुछ समय के लिए तो लाइन लिखती है, की बात हो रही है ये पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है क्योंकि स्पोरोफाइट ने गेमिटोफाइट बनाना था स्पोर्स ने मेल गेमिटो तो उतर क्या गया लेकिन फीमेल गेमिटोफाइट बेटा पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है फॉर

ठीक है जी और एम्ब्रियो भी इनका फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर बन रहा है ये भी एक तरीके से फाउंडेशन बनाता है हमारे एंजियोस्पर्म्स के लिए ठीक है एंजियोस्पर्म्स के लिए तो क्या ये चीज याद रहेगी बेटा जी क्या ये चीज याद रहेगी हाँ जी बता दो कि सिंस फीमेल का गेमिटोफाइट कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है सो दिस इज अ काइंड ऑफ फाउंडेशन स्टोन फॉर एंजियोस्पर्म्स फॉर द एडवांस्ड प्लांट ओके जी नेक्स्ट लास्ट आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स क्लासिफिकेशन चार क्लासेस में बेटा इसको डिवाइड करोगे फोर क्लासेस हाँ जी फर्स्ट है सिलडा एग्जाम्पल बेटा आपको याद होनी चाहिए लाइक ऑप्सिडा स्पिनॉपिडा एंड टेरोप्सिडा ठीक है सबका एग्जाम्पल्स बेटा हम अच्छे से याद करेंगे सिलोप्सिडा लाइकोप्सिडा स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा कमिंग टू बेटा फर्स्ट क्लास सिलोप्सिडा इसमें आ जाएगा सिलोटम ये है फॉसिल फॉर्म ये कैसी फॉर्म है बेटा जी फॉसिल है नेक्स्ट आता है लाइकोप्सिडा में इसमें अपना फेवरेट सिलाजेनेला लाइकोपोडियम याद रखना बेटा लाइकोपोडियम इसको बेटा क्लब मॉस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं क्लब मॉस ये फॉल्स मॉसेस है बेटा असली मॉस तो आपके में बैठी थी दीज आर द फॉल्स फॉल्स मॉसेस मॉसेस देन थीनोपिडा में आपका आ जाएगा इक्वेस्टम इक्वेस्टम इसको हॉर्स टेल बोला जाता है अभी हमने इसका फोटो भी देखा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इक्वेस्टम जिसके पास क्या प्रेजेंट थे उपत्तियों का झुंड प्रेजेंट था देन आपके पास आ जाएगा ट्रॉप्सिडा टेरेस आ जाएगा इसमें इन कर लेना मेरा सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडो फाइट्स क्या है टेरिडो फाइट्स का क्लासिफिकेशन है यही असली फोन है बेटा दीज आर द रियल फोन ओके जी ओके okay, चलिए तो ये मैं आपको दिखा देती हूं एक बार एनसीआरटी से भी हां जी बेटा हमने ये कर लिया है ये देखिए फोर क्लासेस आपको यहां दिखाई है एग्जाम्पल जो एनसीआरटी ने दे दी वो तो करनी है स्पिनोप्सिडा इक्वेस्टम आता है टेरोप्सिडा ड्राइव टेरिस टेरिस एंड एडिएंटम ड्राइव टेरिस भी लिख लो यार तुम बुरा मान जाओगे ड्राइव टेरिस क्योंकि एग्जाम्पल आपकी एनसीआरटी देती है हां जी ये देखिए बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है दैट दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है फीमेल गेमिटोफाइट ऊपर ही रह जा रहा है कुछ समय के लिए देन गिरता है तो ऐसा लग रहा है समथिंग इज फॉलिंग फ्रॉम द प्लांट एंड देन इट इज ग्रोइंग टू इन टू नदर प्लांट जैसे सीड में होता है कि सीड ऊपर से गिरेगा तभी बेटा अगला प्लांट बनेगा तो ये जो सीड हैबिट फॉर्मेशन है वो यहां से स्टार्ट हुई कहां से टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुई एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन ओके okay जी यस yes. हाँ जी जरा बताना बेटा इतना हो गया बेटा मैं पढ़ा चुकी हूँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन फोर मिनट वाली सीरीज भी है बेटा आज मेरी आज भी है 4 मिनट्स में बेटा आज हम ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम 4 बजे 4 बजे 4 नंबर इन करने हैं हमने 4 पीएम पर 4 नंबर इन और बेटा अब हमारे पास जिम्नो और एनजीओ बचे हैं क्या बचे हैं सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ही बचे हैं ओके okay. तो ये दोनों चीजें बेटा हम करेंगे अगली कक्षा में लेकिन मैं एक बात बता दूं बेटा अगली कक्षा में जाने से पहले हमारी स्पेशल क्लासेस प्रैक्टिस क्लासेस बेटा डेली चल रही हैं आज शाम को पाँच बजे से कितने बजे से पाँच बजे से डेली स्पेशल क्लास है डेली एन बेस्ड टेस्ट है क्या है एन बेस्ड टेस्ट है जिसका पहली क्लास का लिंक बेटा मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया ठीक है यहाँ पर पिन किया हुआ है तो सब बच्चे उस क्लास में एनरोल कर लें कितने बजे होगा पाँच बजे होगा ठीक है आज डाइजेशन का टेस्ट है किसका है डाइजेशन का एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है कैसा है चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे बेटा आज डाइजेशन देन ब्रीदिंग देन आ, आ, एक्सक्रीशन बॉडी फ्लूट्स इसी ऑर्डर में बेटा हम बढ़ते जाएंगे और एनसीईआरटी पर कमांड पा लेंगे ठीक है कमांड पाने के लिए रेडी हो जाओ पाँच बजे एक तो ये स्पेशल क्लास है ये यूट्यूब पे नहीं होगी ये एक स्पेशल क्लास है और बेटा चार बजे दस मिनट के लिए हम लोग मिलने वाले हैं फास्टली पल्वनरी करेंगे ओके जी चलिए आज का बेटा समाप्त करते हैं और कल बेटा हमारी यूट्यूब क्लास लाइव नहीं हो पाएगी बिकॉज कल आई एम ट्रैवलिंग टू अन मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहा आ रही हूं अगर आप आसपास हुए तो जरूर मिलने आइएगा तो टुमारो आई एम ट्रैवलिंग तो अब इसकी तीसरी क्लास परसों होगी कब होगी परसों होगी तो इस चीज को बेटा याद रखिएगा ओके जी जी चलिए तो अब चलते हैं हम अपनी अगली चीज पे तो बेटा आप जानते हैं महासंग्राम बैच मेरा लॉन्च होने वाला है नया बैच है अन अकेडमी के प्लस और आइकॉनिक पर जिसमें आपका 2023 2023 के 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 लिए 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 बेटा 2024 के लिए नहीं है अगले चार महीने में हम लोग फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं मैं और मेरी पूरी टीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ठीक है जी तो ट्वेल्थ और ड्रॉपर दोनों के लिए 2023 के लिए बेटा बैच बैचर लाइव क्लासेस होंगी पहली क्लास मेरी 22 दिसंबर को होने वाली है तो यार इस बैच में अभी आपके पास कितना परसेंट ऑफ चल रहा है फिफ्टी लेकिन बेटा ये फिफ्टी ऑफ ना खत्म होने वाला है ठीक है खत्म होने वाला है कब खत्म हो जाएगा कल 14 दिसंबर यानी कि इज द लास्ट डे फॉर 52 परसेंट ऑफ तो यार अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो और जितने भी और जैसे आने वाले समय में क्रैश कोर्स आएगा आप रिविजन कोर्सेज आएंगे थ्योरी कोर्सेज चल रहे हैं ये सब कुछ आप देख पाओगे इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर तो सब्सक्रिप्शन बेटा एक बैच का नहीं होता बहुत सारी चीजों का एक इकट्ठा सब्सक्रिप्शन होता है December 14 को बेटा कल यानी कि ऑफर एंड हो जाएगा अगर आप मेरी मेंटोरशिप के साथ ही ऑफर चाहते हैं फिफ्टी ऑफ चाहते हैं तो यार दिस इज द बेस्ट टाइम आज आज में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सो दैट बेटा आपका नुकसान ना हो और आप टाइमली इस बैच में एनरोल कर पाए दैट इज द महासंग्राम बैच ओके okay, चले अगली क्लास बेटा होगी परसों कब होगी परसों होने वाली है राइट right. चलो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में आज का सेशन अच्छा लगा तो यार लाइक भी कर दिया करो एक कमेंट भी जरूर छोड़ के जाना कि आने वाला बच्चा जो नया देखेगा वो इस सेशन को देखे भी या ना देखे अपना एक घंटा लगाए या ना लगाए क्या तुम्हें सारी चीजें समझ आई और बेटा एनसीईआरटी जरूर जरूर रिवाइज करेगा मस्ट है बेटा एनसीईआरटी रिवाइज करनी नहीं तो ये चैप्टर कभी भी नहीं समझ आएगा और हमेशा बोलते रहोगे दोबारा दोबारा देखते रहोगे तो अगर तुम इस पर कमांड चाहते हो तो एनसीईआरटी सीरीज अटेंड करो जो कि पांच बजे शाम को एंड एनसीईआरटी को रीड भी करिए ओके चलिए बाय बाय थैंक यू